नमस्कार एवरीवन। अगर आप लोग भी P2P एक्सचेंज करते हो, ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर कहीं से भी पेमेंट रिसीव करते हो, आपकी कोई शॉप है, मनी एक्सचेंज खोल रखा है या आप ऑनलाइन पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, तो ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज़ हो सकता है, और अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज़ हो गया है तो उसको अनफ्रीज कराने का, यानी कि अगर उस पर होल्ड लग गया है CRPC 91 और 102 के तहत, तो उसको आप अनफ्रीज कैसे कराते हैं, उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर हैं, और बिना किसी सिरदर्द दिए किस तरीके से आप वापस अपने बैंक अकाउंट का एक्सेस लेके अपनी पेमेंट का लेन देन कर सकते हैं। और अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होने पर आप कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो उसके क्या क्या सर्कमस्टांसेस आपको अपकमिंग फ्यूचर में फेस करने पड़ सकते हैं, यानी कि आपको क्या क्या लॉसेस हो सकते हैं और कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इस वीडियो के बाद एक वीडियो और आएगी जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप किसी लॉयर की भी मदद ले सकते हैं अपने बैंक अकाउंट को अनफ्रीज कराने के लिए, और उससे रिलेटेड मैं आपको हाई कोर्ट के एविडेंसेस भी शेयर करूंगा और स्टेटमेंट या वर्डिक्ट जो कर्नाटक हाई कोर्ट ने हाल ही में दिए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट करे बिना, और कोशिश करते हैं आपको फिर से एक बार साइबर क्राइम और ऑनलाइन फ्रॉड से बचाने की। जैसा आप जानते हो, मेरा नाम है सुधीर वशिष्ठ और आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल साइबर अलर्ट विद डिजिटल सुधीर पे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपके बैंक अकाउंट कब और कैसे फ्रीज हो सकते हैं। सबसे पहले, जैसे मैंने बताया, P2P ट्रेडिंग आप करते हैं, यानी कि क्रिप्टो करेंसी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, रुपीज़ लेते हैं और USDT सेल करते हैं, तो भी आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होगा, लेकिन कब होगा ये जानना जरूरी है। इसके लिए आपको वीडियो के अंत तक जुड़ा रहना जरूरी है। दूसरी, अगर आप टेलीग्राम पर कोई जॉब करते हो, लाइक आपको कोई वीडियो लाइक करने के 50 रुपये मिल रहे हैं, सब्सक्राइब करने के 50 रुपये मिल रहे हैं, ऑल्दो आपके साथ अल्टीमेटली हो स्कैम रहा है, लेकिन उसकी वजह से आप भी एक विक्टिम भी बनोगे और स्कैमर भी बनोगे साथ में, क्योंकि आपके बैंक अकाउंट या बैंकिंग सर्विसेज होल्ड हो सकती हैं। उसके बाद अकाउंटेंट की जॉब कर रहे हैं, आपको पेमेंट मैनेजर बना के बैठा दिया है किसी ने, ऑनलाइन ही आपको रिक्रूट करा और आपको बोला कि हम तुम्हें 50,000 रुपये देंगे या 1,00,000 रुपये एक दिन में देंगे, जिस पे आपको 2% कमीशन दिया जाएगा और आपको 98,000 रुपीज़ को हमें क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करके देना है। अगर आप ये काम करते हो तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है और आपका बैंक अकाउंट भी फ्रीज हो जाएगा। तीसरा, आप USDT सेल करते हो, यानी कि आप जैसे बाइनेंस जैसे प्लेटफॉर्म पर, जैसा मैंने शुरुआत में बताया, USDT या क्रिप्टो करेंसी, कोई भी क्रिप्टो करेंसी सेल करते हो, जिसके लिए आप INR में पेमेंट अपने अकाउंट में रिसीव कर रहे हो। इवन अगर आप नेपाल से ये वीडियो देख रहे हो, नेपाली करेंसी में भी आप अगर ये पेमेंट अपने अकाउंट में रिसीव कर रहे हो, तो भी आपको बहुत सारे सर्कमस्टांसेस फेस करने पड़ सकते हैं। और आप यूजिंग ऑनलाइन अर्निंग एप्लीकेशंस, जैसे तिरंगा एप्लीकेशन या फिर ब्लो बॉक्स करके एप्लीकेशन हो गई, फैक्स एप्लीकेशन हो गई, अजीब अजीब से नाम की एप्लीकेशन है, जहाँ पे आप 500 रुपये इन्वेस्ट करते हो, आपको फिर डेली 100 रुपये 200 रुपये मिलते हैं, तो इन एप्लीकेशंस की बदौलत भी आपके बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकते हैं। कलर प्रेडिक्शन गेम में आप इन्वेस्ट करते हो ऐसी एप्लीकेशंस में, तो उनसे आने वाला जो पैसा है वो भी आपका बैंक अकाउंट को फ्रीज करा सकता है। अब ये बैंक अकाउंट पुलिस क्यों फ्रीज करती है, मैं आपको ये भी बता दूँ। सबसे पहले मान लो, मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल से समझाऊंगा, बाकी आप अपने आप कनेक्ट कर लेना, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मान लो मैं USDT सेल करता हूँ। अब दीपक मेरा एक दोस्त है जिसको मेरे से USDT परचेज करनी है। दीपक ने बोला, सुधीर भैया मेरे को 500 USDT चाहिए, उसके लिए मैं आपको 50,000 रुपये दे रहा हूँ। तो मैंने दीपक से 50,000 रुपये अपने बैंक अकाउंट में ले लिए और बदले में उसको USDT सेल कर दी। अब जो भी उसने बोला वो रिलीज़ कर दी, डिजिटल एसेट कहते हैं इसको, अगर आप लीगल फॉर्म में आप जानना चाहो। अब मैंने वो डिजिटल एसेट जो वर्थ 50,000 रुपीज़ थी, वो रिलीज़ करके दीपक को ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दी और बदले में इनने मेरे अकाउंट में 50,000 रुपये दिए। परंतु होता क्या है कि दीपक के अकाउंट में जो पैसे आए थे, वो मान लो आप इसको एक तरीके से अकाउंटेंट की जॉब मिली थी, जहाँ पे इसको USDT परचेज करके उसको आगे किसी एक वॉलेट एड्रेस पर ट्रांसफ़र करनी थी। यानी कि इसके पास जो पैसा आया था वो किसी स्कैमर ने भेजा था, लेकिन ये बात दीपक को भी नहीं पता थी कि वो पैसा स्कैमर ने भेजा है। अब जो पैसा दीपक ने मेरे को भेजा, मुझे भी नहीं पता था कि दीपक के अकाउंट में जो पैसा है वो किसी स्कैम के थ्रू आया हुआ है जो मुझे भेजा जा रहा है। अब होता है क्या है, जब जिसके साथ स्कैम हुआ है वो मान लो पुलिस स्टेशन जाता है, जाएगा ही जाएगा ऑफकोर्स, पुलिस स्टेशन जाता है, और जब वो वहाँ FIR लॉन्च कराता है, तो पुलिस क्या करती है, मनी ट्रेल फॉलो करती है, और मनी ट्रेल को फॉलो करने में जितने भी बैंक अकाउंट आते हैं उसको पुलिस जो है होल्ड कर देती है, और उन बैंक्स की बैंक अकाउंट की सारी जो सर्विसेज हैं उनको बंद कर देती है। और इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं बैंक अकाउंट फ्रीज होना, बैंक अकाउंट पर होल्ड लग जाना, या CRPC 91 एंड 102 के तहत आपकी सारी जो एसेट्स हैं, डिजिटल एसेट्स, उसको गवर्नमेंट ब्लॉक कर देती है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर पुलिस या फिर
कोर्ट की मदद से उनको रिलीज करा जा सके विक्टिम को। अब इतना आपको समझ में आ गया होगा जब मैं बैंक फ्रीज की बात करता हूँ। अब देखो इसके सबसे पहले तरीके क्या है, मैं आपको वो बता देता हूँ। जब आपका अकाउंट फ्रीज होता है, अब आपका अकाउंट जब फ्रीज हो जाता है तो आपके फ़ोन पे एक मैसेज आएगा कि आपकी बैंकिंग सर्विसेज जो हैं वो फ्रीज कर दी गई हैं विद इफेक्ट, और अपने बैंक में कॉन्टैक्ट करने के लिए आपसे कहा जाता है। अब जब आप अपने बैंक जाते हो, सपोज़ आपका अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो भाई आप बड़े बदकिस्मत इंसान हो, क्योंकि जब मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गया था, ये एक प्रिंट आउट लेने, जो आपको डिस्प्ले ये सामने दिख रहा है या फिर यहाँ पे मेरे लेफ्ट राइट में नज़र आ रहा होगा, इसके लिए पहले दिन 6 घंटे और दूसरे दिन 4 घंटे उन्होंने हमें बैठा के रखा, और उसके बाद 50 बार कहने पे, रिक्वेस्ट करने पे उन्होंने ये प्रिंट आउट निकाल के हमें दिया। तो आपका अगर स्टेट बैंक है तो सही में बहुत सिरदर्द होने वाला है आपको। अब आपको बैंक जाना है और बैंक में जाके आपको बोलना है मैनेजर से कि मेरा जो बैंक अकाउंट है उस पर होल्ड लगाया है, वो किसने लगाया है। बैंक भी कई बार आपका अकाउंट होल्ड कर देता है केवाईसी के लिए। अगर केवाईसी के लिए बैंक ने होल्ड करा है तो आपको वहाँ पे अपना आधार कार्ड पैन कार्ड देना है, अपने सिग्नेचर वगैरह रिसेंट पे जो है वो अपडेट कराना है, और आपकी बैंकिंग सर्विसेज वापस स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन अगर साइबर क्राइम यानी कि नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के थ्रू आपका बैंक जो है वो क्या करा गया है, वो फ्रीज करा गया है, वो ब्लॉक करा गया है, तो उस केस में आपको कुछ इस तरीके का एक लेटर आपका बैंक मैनेजर आपको देगा। ये जो आपको डिस्प्ले में दिख रहा है, क्लियर विजिबल आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। अब इस लेटर के ऊपर क्या क्या डिटेल होंगी जो आपको वेरीफाई करनी है जब आप बैंक से ये लेटर ले रहे हैं। सबसे पहले नेम ऑफ पुलिस ऑफिसर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उस ऑफिसर का नाम होगा जो आपके केस को देख रहा है। एड्रेस ऑफ द पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन का ये कंप्लीट एड्रेस। डेजिग्नेशन ऑफ पुलिस ऑफिसर, ठीक है, मोबाइल नंबर ऑफ द पुलिस ऑफिसर होगा। उसके बाद ईमेल ऑफ द पुलिस ऑफिसर, डिस्प्यूटेड ट्रांजैक्शन डेट, किस डेट को ये ट्रांजैक्शन हुई जिसके लिए आपका अकाउंट फ्रीज करा गया, डिस्प्यूटेड ट्रांजैक्शन अमाउंट, और उसके बाद रेफरेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर ऑफ साइबर कंप्लेंट। आपके ये सारी डिटेल उसके ऊपर मेंशन होगी। मैं उसके भी आपको कॉपी दिखा रहा हूँ, एक मैंने आपको दिखा दी है, एक और अल्टरनेटिव कॉपी दिखाऊंगा। हर स्टेट का फॉर्मेट लगभग सेम होता है, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस रहते हैं हमेशा। आपको ये सारी चीज़ें कलेक्ट करनी है, और उसके बाद जो भी पुलिस स्टेशन का कॉन्टैक्ट नंबर दिया है आपको वहाँ कॉल करनी है। अब ये आपकी पूरी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है। हमारे केस में क्या हुआ, जो पुलिस ऑफिसर था, सब इंस्पेक्टर, उसका नाम तो अब याद नहीं है, लेकिन वो सीरियसली बहुत ही जेन्युइन बंदा था, मतलब बहुत होते हैं करेक्ट ऑफिसर, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको। इसको बताया कि वो P2P, उसको थोड़ी नॉलेज भी थी, वो पढ़ा लिखा था कोई, जो भी सब इंस्पेक्टर रहा होगा उसको नॉलेज थी क्रिप्टो करेंसी के बारे में। उसको बताया कि भाई ये क्रिप्टो करेंसी जो थी USDT रिलीज़ करी थी, डिजिटल एसेट, और उसके बदले में ये पेमेंट रिसीव करी थी। तो उसने उसके स्क्रीनशॉट मांगे, यानी कि बाइनेंस अकाउंट के स्क्रीनशॉट और हिस्ट्री मांगी, वो हिस्ट्री उसको दे दी। जो बाइनेंस के कस्टमर सपोर्ट से बात हुई, उसकी चैट हिस्ट्री उसको पकड़ाई हमने पुलिस वाले को, अपना आधार कार्ड, जो छोटा भाई था उसका आधार कार्ड दिया, उसका पैन कार्ड दिया पुलिस को, और बैंक की जो लास्ट स्टेटमेंट थी उस टाइम की, वो हमने उसको ईमेल पे शेयर कर दी। जो कर्नाटका पुलिस ऑफिसर था उनको वो सारी डिटेल भेज दी। उसके 6 से 7 दिन के बाद ही जो हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट था वो अनफ्रीज हो गया, और सारी की सारी सर्विसेज बिना कर्नाटका जाए एक्टिवेट हो गई, यानी कि उसके लिए हमें कहीं जाना नहीं पड़ा। लेकिन ऐसे भी केसेस देखे गए जहाँ पे पुलिस वालों ने बैंक अकाउंट फ्रीज होने के बाद कहीं से 2 लाख रुपये, किसी से 5 लाख रुपये, तो किसी से 10 लाख रुपये। इवन अभी एक पुलिस वाले को पकड़ा गया, पूरी वीडियो का टाइटल तो मुझे याद नहीं है, आप यहाँ पे देख लो, डिस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ है, कर्नाटका पुलिस ने पकड़ा या कर्नाटका पुलिस का कोई बंदा पकड़ा गया, ठीक है, मैं भूल रहा हूँ, आप पढ़ लेना डिस्प्ले पे, आपको न्यूज़पेपर की कटिंग लगा देता हूँ मैं। 25 लाख रुपये क्रिप्टो करेंसी की वजह से फ्रीज हुए अकाउंट को अनफ्रीज करने के लिए रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। अब होता क्या है कि इन अकाउंट्स में लाखों रुपये की सेविंग होती है लोगों की, कई लाख, मतलब करोड़ों की भी होती है, जिसको जब कुछ पुलिस ऑफिसर्स देख लेते हैं तो वो उसको अकाउंट को अनफ्रीज कराने के लिए ब्राइब मांगने लग जाते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको, आगे जो सेकंड वीडियो आएगी उसको देखना क्यों ज़रूरी है। अब देखो, पहला आपने ये वाला देख लिया, अब आपको एक और स्क्रीनशॉट नज़र आ रहा होगा, ठीक है, एक सेकंड, आपने अभी तो एक देख लिया, ये वाला मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ ये कहाँ का था। ये जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ इतनी देर से, ये है साइबर सेल पोर्ट डिवीज़न, दोम्यूनो एवेन्यू कोलकाता, और यहाँ पे कोलकाता का ये था, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की तरफ से भेजा गया है। इसका फॉर्मेट थोड़ा अलग है, अगर आप यहाँ देखो तो इसमें इन्होंने रेफरेंस नंबर जो था साइबर क्राइम एक्नॉलेजमेंट का वो दे रखा है। यहाँ पे ये भी दे रखा है कि किस सेक्शन के अंदर इन्होंने अकाउंट को HDFC बैंक को बोला है कि तू इसको भाई होल्ड कर दे, और इसकी सारी ट्रांजेक्शन आप इसकी बंद कर दीजिए इस अकाउंट की। अब यहाँ लिखा है क्या है, वेर इट अपेयर अंडर साइन द प्रोटेक्शन ऑफ द नंबर मैंशन डॉक्यूमेंट आर नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ द अबव
नोटेड केस एंड बिलीव टू बी इन योर पोजिशन। और उसके बाद इन्होंने बोल बताया कि इस अकाउंट को क्यों फ्रीज करा गया है, इसकी क्या डिटेल्स चाहिए, वो सारी चीज़ें इन्होंने मांगी हैं। यानी कि इस व्यक्ति के अकाउंट से रिलेटेड संबंधित सारी जानकारी पुलिस थाने में भेजने के लिए बैंक को कहा गया है। अब यहाँ पे ये जो आप दूसरा देख रहे हो, आपको मेरे राइट लेफ्ट या मैन डिस्प्ले पे नज़र आ रहा होगा जहाँ पे भी एडिटर चेप दे, वो ये कि भाई ये नॉर्थ डिवीज़न यलकारा बैंगलोर सिटी से जो नोटिस आया था ये हमारा है, जो मेरे छोटे भाई के पास आया था, उसमें आप देखोगे तो यहाँ पे पुलिस ऑफिसर की ईमेल आईडी फ़ोन नंबर क्लियरली विजिबल है। मैनेजर एंड नोडल ऑफिसर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इन्होंने भेजा था। और यहाँ पे अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, जिन जिन अकाउंट्स के अकाउंट से पेमेंट इस अकाउंट में आई है उनकी डिटेल दी गई है। और उसके बाद इन्होंने बताया कि इसको क्यों फ्रीज़ करना है और किस लिए फ्रीज़ करना है। अब यहाँ पे हमें वो डिटेल नहीं दी गई थी कि किस बंदे ने मतलब कितना अमाउंट भेजा है, क्योंकि डेली आपके पास आपके USDT जो बाइनेंस अकाउंट है उसमें आप USDT अगर सेल करते हो तो आपको पता होगा कि आप डेली ट्रांजेक्शन कर रहे हो, आप पेमेंट भेज रहे हो, तो आपकी एक बहुत लंबी हिस्ट्री हो जाती है। तो जब पुलिस ऑफिसर को फ़ोन करा तो उसने बता दिया इतने इतने लाइक 30,000 या 35,000 रुपये की जो इनने USDT सेल करी होंगी उसके लिए पूरे बैंक अकाउंट को होल्ड करा गया। तो जब उस पुलिस ऑफिसर को सारे एविडेंसेस दे दिए तो उसने जेन्युइनली वो अकाउंट रीएक्टिवेट कर दिया। अब देखो ये दूसरी वाली स्लिप मैंने आपको दिखा दी। अब होता क्या है कि आप अब देखो होता क्या है जब पुलिस ऑफिसर आपसे सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लेता है और उसके बाद आप वो बोलता है कि मैंने बैंक को एक लेटर भेज दिया है कि आपका अकाउंट अनफ्रीज कर दिया जाए। अब उस केस में क्या होगा कि मान लो पुलिस ऑफिसर या तो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, आपको कैसे पता चलेगा? या बैंक के पास नोटिस गया, बैंक ने आपका अकाउंट फ्रीज नहीं करा, तब क्या करना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। अगर पुलिस ऑफिसर क्या करता है, आपको अपनी डिस्प्ले पे एक नोटिस दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको ये नहीं दिखा सकता क्योंकि इसमें मैं क्रॉप करना भूल गया हूँ जो विक्टिम है उनकी सारी डिटेल। तो इस तरीके का लेटर पुलिस ऑफिसर बैंक को भेजता है कि भैया मैनेजर ऑफ नोडल ऑफिसर HDFC बैंक है भाई, और उन्होंने उनको बताया कि आई अंडरसाइन DP जिला पुलिस हेड कांस्टेबल साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, और उसके बाद बता दिया भैया राजकोट सिटी गुजरात से हैं और ब्रिंग यू नोटिस दैट वी हैव फ्रीज ब्लो मेंशन बैंक अकाउंट फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वी हैव कंप्लीट द ओवर इन्वेस्टिगेशन एंड रिक्वेस्टिंग यू टू अनफ्रीज द ब्लो अकाउंट, और इस अकाउंट को आप अनफ्रीज कर दीजिए। और जैसे ही ये नोटिस बैंक में पहुंचता है, बैंक आपका जो बैंक अकाउंट है उसको अनफ्रीज कर देता है। अब ये सारी बात तो हो गई, पूरा प्रोसीजर आपको क्या करना है। अब कई बार होता है, अब मेरे जैसे अभी एक राजस्थान का केस था, कोर्ट राजस्थान में शिखर डिस्ट्रिक्ट जो खाटू श्याम के पास है वहाँ पे एक लड़का है जिसके साथ ये सेम साइबर क्राइम में फ्रॉड हुआ, जिसकी वजह से उसका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया। जब वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गया तो वहाँ के मैनेजर ने इस तरीके का जो नोटिस था ये नोटिस देने से क्लियरली मना कर दिया कि ऐसा कोई नोटिस नहीं आया। अगर आपका भी मैनेजर आपसे ऐसा कहता है तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नोडल ऑफिसर को उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं, मैनेजर के अगेंस्ट RBI या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ओम्बड्समैन पोर्टल पर जाकर रिपोर्ट कर सकते हैं, या आप RBI को ट्वीट भी कर सकते हैं। ट्वीट करने पे भी RBI इस बात को कंसर्न में ले लेता है, ज़्यादा भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको ये रिपोर्ट देनी कंपलसरी है आपके बैंक के द्वारा, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा कि किसने आपका बैंक अकाउंट एक्चुअल में फ्रीज करवाया या होल्ड करवाया। नंबर दो, अगर पुलिस ऑफिसर मान लो किसी और स्टेट में वो आपको बोलता है कि आपको आना ही पड़ेगा या फिर आपको आना है, तो आप उनसे नेगोशिएट कर सकते हो, बोल सकते हो कि सर मैं यहाँ पे रहता हूँ, मेरा ऑफिस है, मैं रेगुलरली मान लो मैं दिल्ली में रहता हूँ, मुझे कोई बैंगलोर बुलाए तो सर बैंगलोर आने जाने का फेयर ही मेरा 15,000 रुपये लग जाएगा, तो मैं उसको कोशिश करूँगा कि सर आपको जो भी डिटेल एविडेंसेस चाहिए मैं ऑनलाइन आपसे शेयर करने के लिए एग्री हूँ। और दूसरा, आपको मैं सजेस्ट भी करूँगा कि थाने कभी भी अकेले मत जाओ अगर आपको किसी दूसरी स्टेट में जाना है, क्योंकि वहाँ पहुँचने के बाद यकीन मानो जो व्यवहार है पुलिस का और जो फ़ोन पे था वो ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, मैं ऐसे केसेस, क्योंकि मेरी बहुत लोगों से बात होती है जो कैमरे के आगे कन्फ्रंट करने को तैयार नहीं है, बट इन रियल पुलिस का व्यवहार थाने में अलग होता है, कॉल पे अलग होता है, ये आप लोग जानते हो। और उसके बाद फिर वही होता है जो आपके साथ नहीं होना चाहिए था कि आपका प्रशासन से भी भरोसा उठ जाएगा। तो सजेस्ट करूँगा, और जाना मैंडेटरी है तो हमेशा अपने लॉयर के साथ जाएं। मुझे पता है अपना लॉयर कहना मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक बहुत हैवी टर्म है, लेकिन आपका कोई दोस्त होगा नहीं है तो आप किसी भी कोर्ट में जाके किसी भी लॉयर से इसके बारे में बात कर सकते हैं जो आपको ये सारी सुविधाएं देगा। कर्नाटका जो कोर्ट है उसकी स्टेटमेंट आई है, जो कर्नाटका का हाई कोर्ट है 2023 सितंबर में, उसने एक वर्डिक्ट पास करा जिसमें बोला कि बैंक को और पुलिस को बोला कि आप
किसी भी व्यक्ति का, स्पेशली B2B P2P जो ट्रेडर हैं, ठीक है, पीयर टू पीयर ट्रेडिंग करते हैं, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं, उनके बैंक अकाउंट को होल्ड नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप उनके बैंक अकाउंट को होल्ड नहीं कर सकते, आप उस अमाउंट पर लीन लगा सकते हैं जितने अमाउंट की कंप्लेंट उस बैंक अकाउंट के अगेंस्ट हुई है। मान लो दीपक ने मुझे 50,000 रुपये भेजे, लेकिन मेरे अकाउंट में टोटल 70,00,000 रुपये पड़े हुए हैं, तो बैंक मेरे पूरे 70,00,000 रुपये को होल्ड नहीं कर सकता। बैंक सिर्फ 50,000 रुपीज़ को होल्ड कर सकता है, बाकी 69,50,000 रुपीज़ का मेरे पास कंप्लीट एक्सेस रहेगा और मैं उसको जैसे मर्जी यूज़ कर सकता हूँ। 50,000 रुपीज़ केस ख़त्म होने के बाद बैंक को मेरे रिलीज़ करने ही होंगे, क्योंकि मुझे पता है मैं कहीं भी गलत नहीं हूँ। बस आपको करना यह है कि जब भी आप ऐसे किसी चीज़ में फंस जाएँ, तो आपको सिंपल सा तरीका क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनको एविडेंसेस को गैदर करना है, उनको कलेक्ट करना है, जैसे कि स्क्रीनशॉट लेने हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा। मान लो आप टेलीग्राम स्कैम में मेरी वीडियो नहीं देखी, अब देखिए आपको पता चला फंस के, तो आप उनके स्क्रीनशॉट लो, इससे पहले वो चैट बॉट साइट की डिलीट कर दें, ठीक है। उसके बाद आप उसकी हिस्ट्री लो, उसके बाद जिस व्यक्ति के साथ भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर आप जॉब कर रहे हो, पार्ट टाइम में पैसे ले रहे हो, आप उससे उसका आईडी प्रूफ लो, पैन कार्ड ले लो, उसका आधार कार्ड ले लो, फिर उसके लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड या आधार कार्ड में जो नंबर है उसको मैच करो आप जाके अपने बैंक की स्टेटमेंट से कि पैसा इसी नाम से आए या नहीं। उसके अलावा आप ये चीज़ आधार कार्ड की वेबसाइट पर आधार नंबर भी वेरीफाई कर सकते हैं, या QR कोड को स्कैन करके भी आप आधार की डिटेल वेरीफाई कर सकते हैं। ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी इसलिए है कि आपको इन चीज़ों की वजह से जेल हो सकती है। हाँ, एक बार अगर ये प्रूफ हो जाए कि आपने जो पैसा लिया और क्रिप्टो में भेजा उसमें आपका भी हिस्सा था, तो उसके बाद आपको जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए ये वीडियो मैंने बताई है कि किस तरीके से अकाउंट अनफ्रीज कराना है। उम्मीद है आपको पूरी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि आपको बैंक अकाउंट अनफ्रीज कराने के लिए क्या करना पड़ेगा। आपको सिंपल में एक बार शॉर्ट दोबारा से रिकैप करा देता हूँ। मेरा मान लो मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ, मैं स्टेट बैंक गया, मैंने बैंक मैनेजर को बताया, बैंक मैनेजर ने आनाकानी करी, ये वो नहीं देते। मैंने कहा सर आपको देना पड़ेगा, एल्स मैं आपके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करूंगा। उसने अपने सीनियर से बात करी, फिर सीनियर ने बोला कि हाँ ये कॉपी जो है विक्टिम उसकी होती है जिसका अकाउंट जो है होल्ड हो गया है। मैंने उससे ये कॉपी ली जो आपको डिस्प्ले पर अभी दिखाई, मैंने उस कॉपी को लेके मेरे को कहाँ की डिटेल मिल गई, उस थाने की मिल गई जिसने मेरे अकाउंट को फ्रीज़ करवाया या होल्ड करवाया। मैंने उस थाने के इंस्पेक्टर को कॉल करी, मैंने उनको बताया कि सर ऐसे ऐसे करके ये ट्रांजैक्शन हुई है, इसकी डिटेल में उन्होंने बोला मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो उन्होंने बोला आपको यहाँ कर्नाटक या फिर यहाँ बेंगलुरु आना पड़ेगा। तो बेंगलुरु को मैंने उनको बताया कि सर देखो मेरे यहाँ से आने का जो फीस है बेंगलुरु की एयर टिकट है वही मेरे 12,000-15,000 रुपये प्लस स्टे पड़ जाएगा, मैं बेंगलुरु नहीं आ सकता हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है आप मुझे ये सारी डिटेल्स ईमेल कर दीजिए, अपने आईडी प्रूफ, ट्रांजेक्शन डिटेल, ये जो मैंने आपको वीडियो में बताई, मैंने उनको सारी डिटेल भेज दी, उन्होंने उसको वेरीफाई करा और उसके बाद उन्होंने बैंक को अनफ्रीज करने का नोटिस भेज दिया। जो अनफ्रीज का नोटिस भेजा, एक मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बेंगलोर में कैसे भेजा गया, मैं दूसरा नोटिस आपको दिखा रहा हूँ राजस्थान में किस तरीके से भेजा जाता है। हर स्टेट के अपने पैटर्न होते हैं, लेकिन सिंपल यही तरीका होता है। अगली बार आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो डरने की ज़रूरत नहीं है, हिम्मत करिए, बात करिए, सॉल्यूशन हर चीज़ का मिलता है, और फिर भी ना मिले तो कमेंट करिए। अगली वीडियो देखिए लॉयर की मदद से आप कैसे अपना अकाउंट अनफ्रीज करा सकते हैं 7 से 10 दिन।